तवा पिज्जा वाला। एक नागपुर नाम के गांव में किशन नाम का आदमी रहता था। वो तवे पे ही पिज्जा बनाकर अपने ठेले में बेचता था। उसके पैन पिज्जा गांव भर में बहुत मशहूर थे। हर रोज अपने ठेला बाजार लेकर जाता था और ताजे ताजे पिज्जा ले लो, पैन में बने हुए मजेदार पिज्जा ट्राई करोगे तो खाते ही रहोगे, ले लो ले लो, ऐसा कहकर आवाज लगाता था। एक दिन की बात है, एक सुरेश नाम का व्यक्ति किशन के ठेले पे आता है और कहता है, नमस्ते जी, मेरा नाम सुरेश है, मैं दरअसल काम ढूंढ रहा हूँ। भाई साहब, अगर आपके यहाँ कुछ काम हो तो बताना। ठीक है, फिर तुम मेरे ठेले पर काम कर सकते हो। तुम्हें तवे पे पिज्जा बनाना भी सिखाऊंगा और अच्छी पगार भी दूंगा, तो क्या कहते हो? ठीक है, फिर मैं आज से ही काम शुरू करता हूँ। किशन उस दिन से सुरेश को सभी काम सिखाता है। पिज्जा के लिए आटा कैसे बनाना, तवे पर पिज्जा को कैसे चलाए, कौन कौन से मसाले डाले, ये सब सिखाता है। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन किशन सुरेश से कहता है, सुरेश, आज धंधा संभाल लेना, ठीक है, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर किशन चले जाता है और सुरेश अपने काम में लगता है और ग्राहक के लिए पिज्जा बनाने लगता है। उस दिन बहुत लोग आते हैं, इसीलिए अंत में बहुत अच्छी कमाई होती है। सुरेश इतने सारे पैसे देखकर लालची हो जाता है और थोड़े से पैसा चुरा के छुपा लेता है और बाकी के पैसे किशन को देता है। इसी तरह जब भी किशन कहीं जाता था तो सुरेश पेटी में से थोड़ा पैसा चुरा के रखता था और बाकी पैसा किशन को दे देता था। फिर एक दिन सुरेश सोचने लगा, अरे वाह, इसकी पिज्जा का ठेला तो बहुत ही अच्छी चलती है, मैं कब तक इसका नौकर बनकर रहूं? कुछ बहाने बना के यहाँ से निकलता हूँ और खुद का ठेला खोलूंगा। फिर जब किशन लौट आया तो सुरेश पैसे देता है। फिर किशन कहता है, अरे ये क्या, बस इतने ही पैसे, लेकिन ठेला तो खाली है, कुछ सामान भी बाकी नहीं है, तू ठीक से काम तो कर रहा है ना? आपका मतलब क्या है, क्या आप मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं बेटा नहीं, इतनी बेइज्जती मैं सहन नहीं कर सकता, एक मिनट भी यहाँ काम नहीं करूँगा। मैं भी अब आपके जैसे ही तवा में पिज्जा बनाऊंगा और बेचूंगा। अरे चल चल, इस जगह पे तुझ जैसे कितने आए कितने गए, पर कोई भी मेरे पिज्जा को टक्कर नहीं दे पाया। ये सब मेरा स्पेशल मसाला का कमाल है जो अब तक किसी को भी नहीं पता, समझे क्या? ऐसा कहकर सुरेश अपने घर जाता है और सोचने लगता है, मैं वहाँ से निकल तो गया, अब उसके जैसा पिज्जा कैसे बनाऊं? उसने मसाले के बारे में कुछ बोला था, उसके घर पे जाकर चेक करना पड़ेगा। ऐसा कहकर सुरेश किशन के घर पर जाकर खिड़की से झांकता है। वो किशन ने कौन कौन सा मसाला पिज्जा में डाला ये सब बहुत ध्यान देकर देखता है और कुछ देर के बाद चुपके से अंदर आता है और किशन ने इस्तेमाल किए हुए सारे मसाले चुरा कर ले जाता है। दूसरे ही दिन सुरेश भी किशन की बगल में ही अपनी पिज्जा ठेला लगाता है और लोगों को पुकारने लगता है, आइए ये तवे पे बनी हुई पिज्जा को चखिए, इतनी सस्ते में इतनी बढ़िया पिज्जा कहीं नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वो आवाज देने लगा और सुरेश चुराई हुई मसाला उस पिज्जा में डालने लगा, फिर लोगों को बेचने लगा। लोगों उस पिज्जा को खाते हैं और कहने लगते हैं, अरे छी छी, इतनी घटिया पिज्जा भी कोई बनाता है क्या? अरे साहब, क्यों पिज्जा को थूक रहे हैं, क्या हुआ? अरे शैतान के बच्चे, पिज्जा में गोबर भरे थे क्या? बहुत गोबर की बू आ रही है, इतना बदबूदार पिज्जा जिंदगी में नहीं खाया था। ऐसा कहकर उसके सारे ग्राहक नाराज होकर चले जाते हैं। सुरेश फिर किशन से जाकर कहता है, अरे मालिक, मुझे माफ कीजिए, मैंने आपकी स्पेशल मसाला चुराए, मगर आपने डाला तो इतना मीठा होता है, मैंने डाला तो सब लोग नाराज होकर चले गए, आप ही बताइए ऐसा क्यों हुआ? फिर किशन हंसते हुए कहता है,
अरे गांडू में अपने पिज्जा में कोई ऐसा स्पेशल मसाला नहीं डालता, समझे क्या? ये तो बस मैंने तुझे उल्लू बनाने के लिए बताया था, और जो मसाला तूने मेरे घर से चुराया ना, उसमें मैं सच में गोबर ही डाला था। तुझ जैसे चोर मेरे यहाँ बहुत आए, पर मैंने इसी तरह सबको लाइन पे लाया है। अरे अभी भी समय है, सुधर जा, ईमानदारी से काम करता तो ये सब कुछ नहीं होता। हाँ मालिक, मैं सब समझ गया, मैं अब से सिर्फ ईमानदारी से ही पैसा कमाऊंगा। इसके बाद सुरेश फिर किशन के यहाँ मेहनत से काम करता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें बताइएगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि ऐसी और भी मजेदार वीडियो मिस ना हो।